हेलो माई ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू पार्ट फोर। और अगर आप लोग का पार्ट वन टू या थ्री कोई भी मिस हो गया होगा ड्यू टू एनी रीजन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो, मैंने वहाँ पे लिंक दे दिया। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग वो वीडियो भी देख लेना। एंड कमिंग बैक टू दिस पार्ट फोर, मैं पार्ट फोर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को सॉरी बोल रही हूँ, सॉरी क्योंकि मैंने आप लोग को कल कहा था कि मैं हल्दी और शादी के फोटो सब साथ में ही बनाऊंगी ये पार्ट फोर में, बट ऐसा नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों फंक्शन, जो हल्दी का फंक्शन था मेरे साइड का, निशु के साइड का फोटोज़ प्लस वेडिंग के फोटोज़ इतने सारे हो गए ना कि वो एक वीडियो में अगर मैं डाल दूँ, अगर आज के वीडियो में, तो ये कम से कम 25-30 मिनट का वीडियो जा सकता है। तो मुझे उतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना है क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना मुझे ऐसा बहुत बोरिंग लगता है देखने में, तो मुझे छोटे छोटे वीडियोज़ ही पसंद है, जो एक बार खोल लिया फटाफट देख लिया और ख़त्म हो गया। तो आई एम रियली सॉरी, आज मैं सिर्फ हल्दी के फंक्शन का ही फोटो शेयर कर रही हूँ, जो दोनों साइड का, मेरे साइड का भी और निशु के साइड का भी। और कल जो पार्ट फाइव आएगा, पक्का प्रॉमिस, उसमें पूरा वेडिंग का ही होगा, पूरा स्टार्ट टू एंड। सो लेट स्टार्ट। हल्दी का फंक्शन मतलब एक लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है, बिकॉज दैट इज़ द लास्ट डे दैट यू स्पेंड विथ योर फैमिली। मतलब बोलते ना, आपकी मम्मी डैडी भाई बहन के साथ आपका वो लास्ट डे होता है, नेक्स्ट डे यू विल गेट मैरिड एंड यू विल कम टू योर ससुराल। तो यस, लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं मेरा पार्ट बता देती हूँ हल्दी के दिन। तो अभी मैं आपको पहले पूरा फोटो दिखा देती हूँ मेरे साइड का, जो हल्दी के सेरेमनी का जितना भी मुझे पॉसिबिलिटी हो पाया, जो मैं कलेक्ट कर पाई फोटो यहाँ वहाँ से, वो मैंने कलेक्ट किया, आप लोग के साथ अभी मैं शेयर करती हूँ। और आप हल्दी के फोटो देख लीजिए मेरे साइड का, और उसके बाद मैं आपको इसका सब पूरा स्टोरी बता लेती हूँ। बता दो, हल्दी का जो सेरेमनी होता है ना, उस दिन जो लड़की के मन में जो फीलिंग्स होती है, जो बोलते ना बहुत अजीब फीलिंग था, मतलब मैं खुश भी थी कि कल मेरी शादी है, दुखी भी थी क्योंकि कल मैं मम्मी डैडी को छोड़ के चली जाऊंगी, भाई को छोड़ के चली जाऊंगी। तो वो ऐसा फेज था, ऐसा मोमेंट था कि मेरे को खुशी भी हो रही है, गम भी हो रहा है, एक्साइटमेंट भी हो रहा है, और नर्वसनेस भी हो रहा था कि कैसे शादी का होगा सब, इतना सारे रिचुअल्स है, ये है वो है, कैसे होगा कैसे होगा। मतलब मेरा वो पूरा दिन इतना इससे गया था ना कि आई कांट टेल यू कैसा वो फेज। एंड आई एम श्योर हर लड़की के साथ ऐसा होता है, वो नर्वसनेस आ ही जाता है दोनों जगह का, कि माँ का घर छोड़ के जाना है और ससुराल भी जाना है, जाने की खुशी, छोड़ने का गम, वो बोलते ना मिक्स फीलिंग होता है, सबके साथ होता है। सो मेरा पूरा दिन मैं आपको बताती हूँ कैसा था। हल्दी हम लोग ने ना बहुत सिंपल तरीके से रखा था, हम लोग ने ज़्यादा कुछ फंक्शंस रिचुअल्स नहीं किए, वी केप्ट इट वेरी सिंपल। तो फर्स्ट रिचुअल जो हम लोग ने स्टार्ट किया था, वो मेरी मम्मी ने आई थिंक 20 या 30 किलो चावल लाया था, और जितने भी हमारे नेबर्स रिलेटिव्स थे उनको घर पे बुला के, जैसा ये वाला फोटो देख रहे हो, उसमें उन सबको बैठा के सबके साथ मिलके वो उतना चावल साफ़ करना रहता है। मतलब चावल तो सफाई रहता है, लेकिन वो एक रिचुअल होता है जो करना पड़ता है, तो वो पूरा चावल साफ करने का रिचुअल हुआ। और इस टाइम पे मैं घर पे नहीं थी, मैं गई थी सलोन में मेरा पूरा प्री ब्राइडल सर्विस करने के लिए, जैसा फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर स्पा, आईब्रो वगैरह करने के लिए, ब्लीच वगैरह, तो मैं वहाँ पे थी। तो दोपहर तक ये सेरेमनी, मतलब इनका ये पूरा रिचुअल ख़त्म हो गया। और जो हल्दी होता है ना, अक्खा हल्दी लाना पड़ता है, उसको वो
जैसे आप ये फोटो में देख रहे हैं वो क्या बोलते हैं वरवंटा, उस पर रख के उसको कूटते हैं डायरेक्ट, अक्खा हल्दी को भिगाते नहीं है, तो उसको ऐसा कूट के उसका जो भी रिचुअल था वो करके उसको सोक करके रखा था ताकि शाम तक वो अच्छे से भीग जाए और ग्राइंड करने में आसानी हो। तो उसमें हल्दी डाला था, चंदन पाउडर मिक्स किया था, रोज़ वाटर मिक्स किया था ताकि वो जले नहीं जाता, ऐसा करके शाम को मम्मी ने पूरा वो पेस्ट रेडी कर दिया था। तो ये वो वाला रिचुअल था। उसके बाद दोपहर को मेरी मेहंदी वाली आई थी, करीबन 1:30-2 बजे के आसपास वो आई और मेरा पूरा मेहंदी फंक्शन स्टार्ट हो गया। और मैंने मेहंदी ना पूरा यहाँ तक लगा के लिया था कि नहीं मुझे तो पूरा भरा हुआ मेहंदी चाहिए, बिकॉज मैं इतनी एक्साइटमेंट थी। और लाइफ में बोलते ना शादी आप एक ही बार करते, तो जो भी मेरे को जितना भी मेरी इच्छाएं थी ना मैंने सब पूरा करके लिया मेरे शादी में। तो मैंने पूरा भर के दोनों हाथ में आगे पीछे मेहंदी लगाया, वो दूल्हा दुल्हन का फोटो लगा के लिया, एक अच्छा पॉलिश लगा के लिया, मतलब एवरीथिंग आई डिड व्हाटएवर आई वांटेड टू डू फॉर माय वेडिंग। तो ये वो लोग मेरे को मेहंदी लगा रहे थे। तो मेहंदी लगाने के बाद फिर दोपहर को हमारे पास टाइम था, उसके बाद हम लोग ने शाम की तैयारी स्टार्ट की। शाम को बैंगल्स भरने का सेरेमनी था, मतलब जितने भी मैरिड वुमेन होते हैं उनको घर पे बुला के उनको चाय पानी नाश्ता देना होता है और बैंगल्स भराया जाता है। तो सबसे पहले मुझे बिठाया, आप जैसा आप देख रहे हो मुझे वो ग्रीन वाले दोनों बैंगल्स मेरे हाथ में, ग्रीन बैंगल्स मेरे हाथ में भरा, और फिर जितने भी बाकी के लेडीज़ लोग आए थे उनको एक 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 करके उनको भी बांगड़ी का वो पूरा फंक्शन हम लोग ने किया। और उसके बाद फिर मेरी मम्मी को मेहंदी निकाला, सोनू ये मेरी करौली थी उसने मम्मी को मेहंदी निकाला। तो मम्मी तो बहुत ये थी जैसा, और उसके बाद फिर वो हो गया, उसके बाद मेरा हल्दी का फंक्शन स्टार्ट हो गया। और मेरे पास ना जो जब मुझे हल्दी लगा रहे थे ना उसका एक भी फ़ोटो नहीं मिल रहा है, मतलब शायद हम लोग ने थोड़े ही फ़ोटो खींचे थे क्योंकि उस वक्त मेरा भाई बिजी था। हम लोग ने ना प्रॉपर डिनर भी रखा था क्योंकि बहुत सारे जन हम लोग का वेडिंग अटेंड नहीं करने वाले थे, बिकॉज वेडिंग था गोरेगांव में, तो बहुत जन को उतना दूर जुहू से गोरेगांव आना पॉसिबल नहीं था। और डे टाइम का वेडिंग था, दिन में था, शाम का नहीं था, तो बहुत सारे जन काम पे जाने वाले थे तो उनको पॉसिबल नहीं था। तो जब हम लोग ने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया था तभी हमको बहुत जन ने बोल दिया था कि बाबा डे टाइम पे है प्लस और डे पे है तो हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए मेरे मम्मी पापा ने, भाई ने डिसाइड किया कि हम लोग हल्दी के दिन भी प्रॉपर डिनर रखते सो दैट जो लोग शादी में नहीं आ पाएंगे वो लोग एटलीस्ट हल्दी में आके दे कैन हैव प्रॉपर डिनर एंड गो। तो मेरा भाई ना वो पूरे सेटिंग में बिजी था और उस वक्त हम इतने इमोशनल फेज में थे ना कि वो भूल ही गए कि किसी को बोलने के लिए कि बाबा कैमरा लो और थोड़े फोटोज़ खींचो। तभी मुझे एक भी फ़ोटो नहीं मिला जिसमें मुझे वो हल्दी लगाया था। और उस वक्त मेरी मम्मी भी बहुत इमोशनल हो गई थी जब मम्मी ने मुझे, क्योंकि मम्मी से ही स्टार्ट किया था, तो मम्मी ने जब मुझे हल्दी लगाया तो शी स्टार्टेड क्राइंग पूरा मेरा हल्दी लगने तक, फ्रेश होके आने तक शी वॉज क्राइंग ओनली कि मेरी बेटी अभी कल जाने वाली है। आई एम श्योर अभी भी ये सुन के उनके आँखों में आंसू आ ही गया होगा बिकॉज शी इज़ सो सेंसिटिव। तो मम्मी को देख के मुझे भी कहीं ना कहीं रोने आ रहा था, बट आई वॉज कंट्रोलिंग कि नहीं अगर मैं भी रो पड़ूंगी तो फिर मम्मी को और रोना आ जाएगा। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया और पूरा डीजे वीजे रखा था, फिर जैसे प्रॉपर एक हल्दी फंक्शन होता है ना जैसे सेलिब्रेट करते, हम लोग ने हल्दी वैसा शाम को बहुत अच्छे से डीजे वगैरह था, हम लोग ने डांस किया, मुझे लेके गए, मुझे भी थोड़ा डांस करवाया। वैसे तो बोलते हैं हल्दी लगने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब बाहर मतलब हम लोग कहीं और नहीं गए थे, घर के बाहर ही वो डीजे वीजे था। तो फिर मुझे भी थोड़ा नचाया वगैरह, डांस वगैरह करवाया, मम्मी डैडी को करवाया। तो वो लेकिन कुछ उसके फोटोज़ और वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये पूरा मेरा पार्ट ऑफ द स्टोरी था। अब मैं आपको लेके चलती हूँ निशु के साइड में। निशु के साइड में तो बहुत कुछ अलग अलग हुआ था, तो आप लोग पहले फोटोज़ देख लो उनके हल्दी का, निशु के हल्दी का, उसके बाद मैं आपको इसका पूरा स्टोरी समझा देती हूँ।
लिए निशु का साइड ऑफ द स्टोरी. निशु का जो भी हल्दी का फंक्शन हुआ है, जो रिचुअल हुआ है, वो बहुत अलग था हमारे रिचुअल से, बिकॉज हम दोनों अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते. हम लोग का लव मैरिज था. अभी वो कौन सा है क्या है आप मुझसे मत पूछना, मैं आपको लव स्टोरी वाले वीडियो में बता दूंगी इन डिटेल. अभी इस पर फोकस करते हैं. तो निशु के घर पे पहले से ही बहुत सारे मेहमान लोग आ गए थे रहने के लिए, बहुत सारी तैयारी चल रही थी, बिकॉज लड़की से ज़्यादा लड़के के घर पे तैयारियां होती है. तो निशु के यहाँ पे भी ऐसे ही था. तो हल्दी के एक दिन पहले शाम को मम्मी ने वो पूरा बैंगल भरने वाला सेरेमनी किया था. तो सब लोग जितने भी घर में लेडीज़ अवेलेबल थे, प्लस आजू बाजू वाले जो हम लोग के रिलेटिव थे निशु के साइड के, उनको घर पे बुलाया और वो पूरा बैंगल्स जो भरते हैं, जैसा आप देख रहे हो मम्मी भी अपना बैंगल सिलेक्ट करके मम्मी भर रही थी. तो वो हो गया दोपहर को आई थिंक हुआ. उसके बाद शाम को मेहंदी वाली आई थी, तो मेहंदी भी सबने लगा, जिसको जैसा लगाना था वो लगाया. मम्मी ने भी पूरा इतना तक भर के ऐसा लगा था, क्योंकि मम्मी को भी मेहंदी का बहुत शौक है. आप देख चुके हो कितनी बार मेरे वीडियो में मैंने आपको मम्मी को मेहंदी लगाते हुए दिखाया. तो मम्मी को मेहंदी बहुत पसंद है, तो मम्मी ने अच्छे से आगे पीछे पूरा इतना इतना भर के लगाया था. तो वो उन लोगों का हल्दी के एक दिन पहले का दो फंक्शन हो गया. फिर जिस दिन हल्दी था उस दिन सुबह हल्दी का फंक्शन किया, निशु को हल्दी लगाया, और निशु की करवली नमिता ताई थी, जैसा अभी फ़ोटो में देख सकते हो दोनों जन साथ में बैठे. और मेरे हल्दी में सिर्फ मैं बैठी थी और मुझे हल्दी लगाया गया था, और जो करवली होती उसको. बट निशु के यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मी, डैडी, निशु और ताई सब साथ में से लाइन में बैठे और सबको हल्दी लगाया जाता है. इनमें ऐसा रिचुअल था. तो वो पूरा हल्दी का फंक्शन हो गया, हल्दी लगाया, उसके बाद एक दूसरे को सब हल्दी लगा के वो जो जैसा फन टाइप करते ना वैसा किया, और सब फैमिली मेम्बर्स अवेलेबल थे. तो पहले हल्दी हो गया, जैसा आप फोटो में देख रहे हो हल्दी पूरा अच्छे से हो गया. उसके बाद ये लोग गए फ्रेश होने के लिए. फ्रेश होने के बाद अभी ये जैसा फोटो देख रहे हो, जैसे लाइन में सब भगवान का रखा है, तो ये जो हम लोग के गांव के कुल देवता है ना निशु के साइड के, उनका सब रिचुअल किया था, उनका पूजा वगैरह करना होता है, जाता वगैरह रखते, जिसको बहुत शुभ माना जाता है, जिसमें हम बोलते ना चक्की का आटा पीसते वैसा, तो वो रखा था, उसकी पूजा की जाती है. वो आई थिंक नवरा नवरी को कुछ करना पड़ता है, वैसा कुछ रिचुअल होता है, उसको भी साइड में रखे, उसकी भी पूजा की थी. तो वो पूजा मम्मा ने करके लिया. उसके बाद उन लोग का नवग्रह का पूजा स्टार्ट हुआ. मतलब नवग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होता है महाराष्ट्र लोग में, आप में से बहुत सारे जन जानते होंगे. तो फिर वो पंडित जी वगैरह आए, फिर निशु, मम्मी, डैडी, ताई लोग सब बैठ के पूरा नवग्रह का पूजा किया, और बहुत लंबी पूजा चलती है. तो वो पूरा दोपहर तक हो गया. उसके बाद शाम को जैसे आप देख सकते हो मम्मी ने प्रॉपर नवारी साड़ी पहना था, एंड शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मतलब ये सारे फोटोज तो उस वक्त मैंने नहीं देखे थे, बाद में जब शादी का एल्बम बना था तब मैंने देखा था. तो आई वॉज लाइक माई गॉड, मम्मी कितनी सुंदर दिख रही थी. तो मम्मी ने भी नवारी पहना था ये ब्लू कलर का, मावशी ने भी नवारी पहना था, और नमिता ताई ने भी नवारी पहना था रेड कलर का. इवन शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. और ये मम्मी का और मावशी का फोटो दोनों ने साथ में खींचा था. बहन बहन बहुत अच्छे से लग रहे, ताई ने और भाऊजी ने साथ में खिंचवाया था. सब अपना अपना फोटो सेशन भी कर रहे थे. और मम्मी को तो सजना सवरना बहुत पसंद है, प्लस ये घर का पहला फंक्शन था, पहले बड़े बेटे का पहला शादी, तो वो एक्साइटमेंट लेवल बहुत अलग होता है. और लड़कों के साइड में तो वो बोलते ना खुशी का फेज ज़्यादा होता है, क्योंकि बहू आने वाली होती है, और लड़की के साइड से तो वो रोना धोना होता है कि बेटी जाने वाली. तो मम्मी लोग यहाँ पे तो सब खुशी खुश थे कि हम लोग के घर पे बहू आने वाली है, तो उनके यहाँ पे तो पूरा हैप्पी माहौल ही था. और मम्मी एकदम प्रॉपरली रेडी होके वो पूरा बन वगैरह बना के, ताई ने मम्मा को थोड़ा मेकअप वगैरह किया था, तो शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मतलब सारे फोटो में मैं मम्मा को ही देख रही थी, इतनी सुंदर वो कॉम्बिनेशन ब्लाउज का और साड़ी का इतना अच्छा लग रहा था. ये साड़ी भी हम लोग ने दादर से खरीदा था, नमिता ताई के साथ हम लोग गए थे जब पूरा शादी का शॉपिंग करने के लिए. तब मम्मी को ऐसा था कि मेरे को शादी में नवारी नहीं पहनना है, तो मैं नवग्रह के पूजा में नवारी पहनूंगी. तो मम्मी का हम लोग ने ये साड़ी खरीदा, इसको स्टिचिंग के लिए दिया, अलग से ब्लाउज खरीदा थोड़ा सा शाइनी वाला, और फिर इसको स्टिच करा के पूरा कॉम्बिनेशन किया. और मेरे लिए मैंने येलो कलर का लिया, जो आप पार्ट 5 में देख लोगे, येलो कलर का लिया और उसको भी स्टिच करवाया. और जो नीलम मावशी ने नवारी पहना है ना, वो पहनाया है उनको, वो स्टिच वाला नहीं है. तो ये जो फोटो देख रहे हो ना, यहाँ पे मम्मा को चेयर पे बैठने के लिए बोला था, और उसके मम्मा के सर के ऊपर आप देख सकते हो थाली रखा था. थाली पे सब फ्राइड आइटम्स ही रहता, जैसे पापड़ फेनी था और पूरी था, घारगे था, ऐसा सब जो भी पूरा फ्राइड आइटम होता ना, वो पूरा उसमें थाली में रख के सजा के ऐसा बैठाते. और जितने भी लेडीज लोग होते ना, वो थाली को ऐसा सर के ऊपर ऐसा घुमाते. तो ये एक रिचुअल होता है जिसमें सबको बैठना पड़ता है, पूरे साने फैमिली को बैठना पड़ा. तो मम्मी बैठी, सुशांत, डैडी थे, निशु को बैठाया, और फिर
काका काकी को बैठाया, और फिर अमोल भी थे, जीविका भी थे, जितने भी साने फैमिली के मेंबर्स होते ना उन सबको टर्न बाय टर्न बैठाते और सेम वैसा वो थाली सर के ऊपर से घुमाते। तो ये भी उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है। जो अभी सुशांत का शादी होगा उसमें फिर मेरे को भी बैठना पड़ेगा, परी भी बैठेगी क्योंकि अभी हम लोग ऐड हो गए। तो सुशांत की शादी में आई डोंट नो हाउ मच फन आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करने वाली क्या नहीं करने गॉड ओनली नोस, बिकॉज मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उसकी शादी को लेकर। मेरे शादी में मैं ये सारे रिचुअल्स मम्मा के साइड वाले एंजॉय नहीं कर पाई, बट अब सुशांत की शादी में तो मैं पूरा करने वाली हूँ, एंजॉय फुल ऑन, और आप लोग के साथ ऑब्वियसली ये सब शेयर होने वाला है, तो उसकी एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। कमिंग बैक टू हम लोग की हल्दी का, तो ये भी एक रिचुअल था जो हो गया। उसके बाद जब सब पूजा वगैरह हो गया, शाम को मम्मा ने ना 3 साल का संकल्प लिया था कि हम लोग का शादी दिवाली के टाइम पे हुआ था, तो तुलसी विवाह होने के बाद ये पूजा होती करते जो, तो मम्मी ने ऐसा संकल्प लिया था कि मम्मा 1000 वाती जलाएगी। तो ये आप जैसे देख सकते हो ना 500-500 का एक ऐसा बंच बना था जिसमें टोटल 1000 वाती था, ऐसा जॉइंट करके 1000 वाती बना के उसको जलाना होता, उसकी पूजा करनी होती। तो शाम के टाइम पे मम्मा ने ये पूजा भी करके लिया, सब फैमिली मेम्बर्स वाले बैठे थे, काकी वगैरह, मावशी और बड़ी आत्या वगैरह, आत्या ये लोग सब थे, और वो पूरा मम्मा ने वो पूजा करके लिया। तो इनका भी दिन सुबह से रात तक इतना हेक्टेक ही गया, बैक टू बैक एक एक चीज़ होते गई। और नेक्स्ट डे मतलब उसके बाद शाम को पूरा डीजे वीजे रखा था, हल्दी का डिनर वगैरह रखा था, और फिर नेक्स्ट डे की तैयारी भी करना था, तो सब हेक्टिक ही चल रहा था। तो इनके यहाँ से भी पूरा फंक्शन और रिचुअल बहुत अच्छे से हो गया, दे ऑल्सो एन्जॉयड, वी ऑल्सो एन्जॉयड, जितना पॉसिबल हो उतने मैंने आप लोगों के साथ फोटो शेयर किए। इसके अलावा भी बहुत फोटो है लेकिन वो मिल नहीं रहे, जो मिला वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड आई रियली होप दैट आप लोगों को ये फोटोज़ अच्छा लगा होगा, ये हल्दी का फंक्शन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। अभी मैं कल का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसमें मैं पूरा वेडिंग का स्टार्ट टू एंड अप, क्योंकि वेडिंग के सारे फोटोज़ मेरे पास अवेलेबल है और वेडिंग्स के फोटो बहुत अच्छे आए, आप लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो प्लीज़ कल का पार्ट ज़रूर देखना, और मिलती हूँ मैं आपको कल के पार्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।